सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, टाइम भी नहीं देखा मैंने, तो एक बजने वाला है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के घर। मैं जा रहा हूँ और दीदी जा रहे हैं एंड स्कूटी से जा रहे हैं। इसको बंद कर देते हैं। सो गाइस, अभी स्कूटी मैंने निकाल लिया है एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ दीदी का। तो दीदी का एक पार्लर है, तो जहाँ वहाँ पे मतलब थोड़ा काम है तो वही कर रहे हैं। तो एक दो मिनट लगेगा, तो उसके बाद चलेंगे। एंड आज धूप भी बहुत मस्त होकर रखा है, दो तीन दिन से पूरा धूप निकल गया। मैंने लोग खुफिया रहता था। सो गाइस, अभी मैं आया था फर्नीचर के कारखाने में, तो यहाँ से एक सामान खरीदना है। तो इस वजह से मतलब जो दुकानदार है वो अपना फैक्ट्री दिखा रहे थे कि यहाँ पे और भी मतलब बहुत सारे बेड है यहाँ पे और बहुत सारे फर्नीचर है, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फैक्ट्री में आ गए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे काम हो रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। सो गाइस, अभी मैं गया था एक बैंडेड खरीदने के लिए, तो जो पिन्नी लाल है उसके हाथ में थोड़ा चोट लग गया था, तो उसी में लगाना है बैंडेड। एंड अभी मार्केट सुबह का टाइम है, मतलब दोपहर का टाइम है, एक बज गया, लेकिन इसलिए थोड़ा और खाली खाली लग रहा है। जैसे ही और तीन बज जाएगा या फिर साढ़े तीन ऐसे, तब थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए थोड़ा खाली खाली है। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका घर पर एंड बीच में मैंने फिर वीडियोज़ नहीं बनाया क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा था, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरे फ्रेंड के घर पे एंड यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे फिर दीदी के घर पे। पहुँचते पहुँचते शायद अंधेरा ही हो जाएगा दीदी के वहाँ पहुँचते पहुँचते। एंड अभी दीदी लोग आए नहीं है, तो दीदी लोग अभी गए हैं वहाँ पे स्कूटी में तेल भराने के लिए। तो हम लोग, मैं, बड़े पापा और शगुन, हम लोग तीन जन स्कूटी में आ गए एंड बाकी दो तीन जन आ रहे हैं अभी स्कूटी में। तो अभी चलते हैं घर के अंदर पे। कौन सा फ्लोर में? तो ग्राउंड है, पे जाना पड़ेगा। हम एक दिन करके तीन दिन हो गया अभी यहाँ पे आया है। दो तीन दिन से तो यही आ रहा है। आधा घंटा लगेगा। सो गाइस, अभी दीदी करवा रही है हेयर कट, तो और 10-15 मिनट और लगेगा। तो मैं इतने देर बैठा हुआ ही था वहाँ पे, तो फिर सोचा कि थोड़ा बाहर एक राउंड मार लूँ, तो मैं इधर उधर ही घूम रहा था। वैसे भी कल जो ब्लॉग आपने देखा था वो यहीं का था, तो मैं कल भी आया था एंड ऊपर गया था उस तरफ, फिर भी यार ऊपर में एंड हेयर कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकल के शायद कुछ खाएंगे या फिर पैक करवा के ले जाएंगे, तो अभी तक डिसाइड नहीं है। तो दीदी अभी आएगी तब देखते हैं क्या करना है। आधा घंटा हो गया ऐसे बैठे बैठे। यार ऐसे भी घूमने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि दो दिन में आया था यहाँ पे, तो ये सब मैं दो तीन दिन यहाँ पे घूमा हूँ, तो अभी क्या ही दिखाऊँ। आधा घंटा लगेगा। सो गाइस, अभी दीदी करवा रही है हेयर कट, तो और 10-15 मिनट और लगेगा। तो मैं इतने देर बैठा हुआ ही था वहाँ पे, तो फिर सोचा कि थोड़ा बाहर एक राउंड मार लूँ, तो मैं इधर उधर ही घूम रहा था। वैसे भी कल जो ब्लॉग आपने देखा था वो यहीं का था, तो मैं कल भी आया था एंड
और ऊपर गया था उस तरफ PVR ऊपर में, यानी हेयर कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से निकल के शायद कुछ खाएंगे या फिर पैक करवा के ले जाएंगे, तो अभी तक डिसाइड नहीं है। तो दीदी अभी आएगी तब देखते हैं क्या करना है। आधा घंटा हो गया ऐसे बैठे बैठे। अरे ऐसे भी घूमने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि दो दिन में आया था यहाँ पे, तो ये सब मैं दो तीन दिन यहाँ पे घूमा हूँ, तो अभी क्या ही दिखाऊँ। तो हो गया हेयर कट, अभी कहाँ जाएगा? नीचे ना कहाँ था रे? और जो उधर उधर कहाँ से जाना तो भूल ही गया हम। ये देखो फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। क्या लेना अभी नीचे से? कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं? बच्चों को दोनों। चलो चलते हैं देखते हैं क्या है। नीचे में था ना, यहाँ से कुछ लेना है क्या गैवलॉन से? कहाँ से आपको कुछ दिख ही नहीं रहा आइसक्रीम के सिवाय? बाहर में खाया। क्या खाना है इधर में, क्या मिलेगा? हमारे लिए तो कौन सा ना, सब बराबर है। चलो क्या ही फर्क पड़ेगा, सब ब्रेकफास्ट ही है। चलिए देखते हैं कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। ये वो निकाल दो, तुम्हारा नाम क्या रे? देख खाली खाली है पूरा। क्या कर रहे हैं? उधर खा रहा है। टाइम लगेगा क्या? टाइम लगेगा क्या? पनीर टिक्का सैंडविच जी, पनीर टिक्का सैंडविच। सो गाइस अभी हमने ऑर्डर दिया है, क्या दिया था हम उसको बोल रहे हैं पनीर टिक्का सैंडविच, बोल रहा है कि पनीर टिक्का तीन तीन होटल। सो अभी हम लोग ने ऑर्डर दिया था एंड उनके मतलब जो रिसीप्ट था वहाँ पे लिखा हुआ था कितना कोट लिखा हुआ था, शायद 117 लिखा हुआ था। एंड जो बैक साइड में आपको दिख रहा है वहाँ पे 111 दिख रहा है, तो जैसे वो 117 हो जाएगा तो हमें जाके खुद से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, यहाँ पे चिल्लाना उल्लाना नहीं कि आके ले जाओ, तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। 117 होते ही वहाँ से जाके काउंटर से लेना पड़ेगा। तो जल्दी कैसे गया, क्या मंगा तो कुछ और बना के दे दिया क्या चुपचाप खाने के लिए? जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो गाइस बोलते ही आ गया जल्दी से, अभी तक 101 मेरा भी बैक साइड में देखिए अभी तक 111 नंबर ही है। सो गाइस हम लोग ने खा लिया है सैंडविच, कैसा था सैंडविच? बहुत बकवास, सुपर बकवास, आई डोंट लाइक सैंडविच। बहुत बेकार था ये वाला, बेकार था, सॉस भर दिया था ना ज़्यादा, सबसे बेकार हो गया। अच्छा वो वहाँ पे सबसे बेकार था, ऐसा लग रहा है कि बेकार में ऑर्डर दिया, कुछ नहीं खा के भी जाता तो अच्छा रहता, नहीं कुछ खा के। तो गाइस देखिए दीदी का हेयर कट एकदम शादी के लिए तैयार हो गया है। हाँ तो अभी कब अभी यहाँ से लेते हैं स्कूटी एंड उसके बाद यहाँ से, भाई साहब इतना हवा दे रहे हैं आप। अरे कहाँ रखा मैंने? तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोग घर, अंधेरा होके रखा है। मुगल